स्टोरी विथ अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं कर्नल रंजीत की लिखी मेजर बलवंत सीरीज की उपन्यास बूढ़ी परछाई। रहस्य और रोमांस से भरा इस उपन्यास की आज आप लोग सुनेंगे दूसरी एपिसोड। अगर इससे पहले आप लोग इस नोवेल के प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर कर्नल रंजीत की नॉवेल बूढ़ी परछाई। मेजर बलवंत सीरीज की इस नॉवेल की सुनिए दूसरे एपिसोड आरजे अरुण के साथ। मेजर और उसके साथी हैप्पी वैली पहुंचे। हैप्पी वैली का इलाका ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनको घर घर जाना पड़ा। मंगल सदन में उनको सफलता मिली। वो 200 गज में बना हुआ छोटा सा मकान था। मकान की मालकिन एक विधवा थी जिसने मकान का आधा हिस्सा मिस रोहिणी की माँ सुचिता चक्रवर्ती को किराए पर दे रखा था। मकान की विधवा मालकिन से रोहिणी की माँ सुचिता चक्रवर्ती के बारे में बहुत सी बातें पूछने के बाद मेजर ने प्रश्न किया, क्या सुचिता चक्रवर्ती अकेली रहा करती थी? हाँ। उनके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी भी थी? नहीं, वो अपना खाना खुद ही बनाती थी, अपना सारा काम खुद ही किया करती थी। क्या 1.5 साल में उनके पास कभी कोई मिलने नहीं आया? मिस रोहिणी आती रहती थी और दूसरे तीसरे महीने उनके पास 50-52 वर्ष का एक आदमी आता था, सूट बूट पहने हुए कोई अमीर आदमी था। मिसेज सुचिता ने बताया था कि उनका चचेरा भाई है और जब भी आता था रात को आता था और 5-5, 6-6 दिन तक रहता था और जितने दिन यहाँ रहता था घर से बाहर पाँव नहीं रखता था, मकान मालकिन ने बताया। ये सुनकर मेजर के होठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। फिर उसने बैरिस्टर यशवंत राय का फोटो जेब से निकालकर मकान मालकिन को दिखाया। हाँ, यही तो है सुचिता चक्रवर्ती का चचेरा भाई। मेजर के होठ और अधिक गोल हो गए और वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। मकान मालकिन हैरान होकर देखने लगी, मिसेज सुचिता चक्रवर्ती इस समय कहाँ है? कलकत्ता में होंगी, 8 दिन हुए कलकत्ता चली गई, कह रही थी कि 1 महीने वहाँ रहेंगी। एक बात और बताइए, क्या सुचिता चक्रवर्ती कभी कभी काले और सफ़ेद कपड़े भी पहना करती थी? मैंने तो उन्हें कभी सफ़ेद और काले कपड़े पहने हुए देखा नहीं। क्या कभी उन्होंने ये कहा था कि आज से 35 साल पहले हवा महल में उनके बेटे ने एक आदमी को मार डाला था और उनके बेटे को फांसी की सज़ा मिली थी? क्या मिसेज चक्रवर्ती कभी ये भी कहा करती थी कि वो उन लोगों से बदला लेंगी जिन्होंने उनके बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था? नहीं, मैंने उनको कभी इस तरह की चर्चा करते नहीं सुना, मकान मालकिन ने कहा। मेजर ने उसे धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ सिल्वरटन होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सीटी बजाता रहा। सिल्वरटन होटल के अपने कमरे में दोपहर का खाना खाते हुए सोनिया ने मेजर से पूछा, आज तो आप रास्ते भर सीटी बजाते रहे, क्या आपने इस केस को हल कर लिया? अभी कहा, मैं तो रास्ते में सीटी इसलिए बजाता रहा था कि ये अपने ढंग का अनोखा केस है। इसकी तमाम कड़ियां आपस से जुड़ी हुई है, फिर भी ये पता नहीं चल रहा कि हत्यारा कौन है और हत्या का उद्देश्य क्या है। अगर हत्या का ये केस अपने ढंग का अनूठा है तो हमें इसके अब तक के तमाम पहलुओं पर क्रम से विचार करना चाहिए, मालती ने कहा। मालती ने बड़ी अच्छी राय दी है, मेजर ने कहा। अच्छी राय का मेहनताना दीजिए, एक शेर सुनाइए, शेर सुनकर दिमाग हल्का हो जाएगा और फिर हम इस केस पर और भी अच्छी तरह विचार कर सकेंगे। मेहनताना तुम्हें देना ही पड़ेगा मालती, मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा।
हत्या का यह केस अनोखा है, इसलिए शेर भी अनोखा पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया है, पानी के नल बंद, बिजली बंद, सब बाजार बंद, अल्टीमेटम ये दिया बीवी ने, जाओ प्यार भी बंद। मालती ने नर्तकी की तरह गर्दन मटकाकर शेर की दाद दी। सोनिया, डोरा और सुधीर मुस्कुराने लगे। शेर हो गया, मानसिक शांति मिल गई। अब आप अपने कहने के अनुसार इस अनोखे केस पर प्रकाश डालिए, मालती बोली। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस केस का आरंभ दयालु बुढ़िया के कथनानुसार आज से 35 वर्ष पहले हुआ, जब उसके बेटे ने हवा महल में किसी आदमी की हत्या की, और नहीं ये कहा जा सकता है कि इस केस का आरंभ देहरादून में एक केमिस्ट की हत्या से हुआ, जिसके अपराध में रत्नालाल को फांसी की सजा सुनाई गई। हम अभी इस पहलू पर विचार करेंगे कि हत्या के इस केस का आरंभ बैरिस्टर यशवंत राय की हत्या से हुआ, जिसे आज से 7-8 दिन पहले मार डाला गया। इंस्पेक्टर महेश्वरी से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेनी होगी। क्या मैं इंस्पेक्टर महेश्वरी को फ़ोन कर दूं? डोरा ने पूछा। अभी नहीं, मेजर ने कहा। बैरिस्टर यशवंत की हत्या उस समय की गई जब वो अपनी आदत के अनुसार घर से लापता होगा। हमें ये मालूम हुआ है कि लापता होने के बाद रोहिणी की माँ सुचिता चक्रवर्ती के यहाँ जाकर रहा करता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है, वो 80 वर्ष की बुढ़िया के यहाँ जाकर क्यों सिर छिपाता था? आपके विचार से क्या रोहिणी की माँ सुचिता चक्रवर्ती ही हवा महल की दयालु बुढ़िया है? सुधीर ने प्रश्न किया। मुझे यही संदेह हुआ था, लेकिन मकान मालकिन के बयान ने मेरे इस संदेह की पुष्टि नहीं की, मेजर ने कहा। बैरिस्टर यशवंत की हत्या के बाद हम इस अनोखे केस के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हनीमून पर आए हुए बालकिशन और उसकी पत्नी साधना ने यशवंत राय की लाश देकर हमें बुलाया। बैरिस्टर यशवंत का बेटा कुलवंतु धुंध में भयभीत होकर भागा और पुलिस की गोली से बचा। उधर फांसी पाने वाला कैदी रत्नालाल धुंध में जेल से फरार हुआ। कुलवंत को ये मालूम नहीं था कि हैप्पी वैली के जिस मकान में उसने आश्रय लिया है, उसी मकान में उसके पिता की लाश पड़ी है। कुलवंत पुलिस से भयभीत नहीं था, वो किसी और ही आदमी से भयभीत था। यहाँ ये याद रखना आवश्यक है कि कुलवंत ने कहा था कि उसे हैप्पी वैली के इलाके में मिलने के लिए रोहिणी ने बुलाया था, और रोहिणी आई नहीं थी। लेकिन क्या पता वो आई हो और जानबूझकर कुलवंत से न मिली हो। कुलवंत से न मिलने का कोई विशेष उद्देश्य और कारण हो सकता था। यहाँ एक संदेह और भी मजबूत हो जाता है। कौन सा संदेह? डोरा ने पूछा। ये संदेह दृढ़ हो जाता है कि रोहिणी और उसकी माँ ने पहले बैरिस्टर यशवंत राय की हत्या की और फिर उसके बेटे कुलवंत को मार डालने की योजना बनाई। यहाँ केवल एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? सोनिया ने प्रश्न किया। बैरिस्टर यशवंत राय की हत्या करके उसकी लाश उस बंगले में क्यों रखी गई जहाँ बालकिशन हनीमून मनाने के लिए आया हुआ है? लाश को देर तक रखने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि लाश को देर तक रखने के लिए फिनाइल इस्तेमाल की गई। लाश को देर तक सुरक्षित रखने का उद्देश्य क्या हो सकता है? सुधीर ने पूछा। हमें ये मालूम करना है। अब मैं एक बारीक पॉइंट नुक्ते की ओर इशारा करता हूँ। रोहिणी ने कुलवंत की हत्या करने के उद्देश्य से उससे भेंट करने के लिए हैप्पी वैली का इलाका बताया। मैं समझता हूँ कि रोहिणी उस समय धुंध में वहीं मौजूद थी और उसे पहले से ही कैदी रतनलाल के फरार होने की बात मालूम थी। माँ बेटी ने इस अवसर को उचित समझा। शायद रोहिणी ने ही कैदी रतनलाल को सलाह दी कि वो हवा महल में आश्रय ले ले। दोनों माँ बेटी कैदी रतनलाल का प्रयोग भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना चाहती थी। उनका उद्देश्य क्या था? डोरा ने पूछा। माँ बेटी कुलवंत की हत्या करके उसके कपड़े कैदी रतनलाल को पहनाकर और रुपया देकर उसे फरार होने पर मजबूर करके और फिर उसे अंधे कुएं में धक्का देकर ये सिद्ध करना चाहती थी कि कुलवंत का हत्यारा कैदी रतनलाल है और पुलिस ये समझ जाए कि कैदी रतनलाल ने जेल से भागने के बाद
कुलवंत की हत्या इसलिए की कि वो कुलवंत के कपड़े और रुपए लेकर कहीं दूर भाग जाए। कुएं में रतनलाल की लाश मिलने पर पुलिस ये समझे कि वो कुलवंत की हत्या करके घबराहट में भागा और अंधे कुएं में जा गिरा। बहुत ही सुंदर योजना बनाई गई थी, सुधीर बोला। मेरी राय तो ये भी है कि मिस रोहिणी को जो विचित्र प्रकार की बीमारी है वो भी मनगढ़ंत है, एक फ्रॉड है। सब कुछ संभव है। इस समय तक जो घटनाएं हमारे सामने हैं वो ये भी सिद्ध करती है कि माँ बेटी बालकिशन के बंगले से कुलवंत का अपहरण करके हवामहल में ले गई। कुलवंत को अपने साथ कोई ऐसा ही आदमी ले जा सकता था जिसे वो जानता था। इस प्रकार हमारे सामने हत्या की तीन घटनाएं आती है। फरार कैदी रतनलाल की हत्या का उद्देश्य तो स्पष्ट हो जाता है, उसे कुलवंत का हत्यारा सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि पहले बाप की और फिर बेटे की हत्या क्यों की गई। हमारे पास छानबीन और खोज के अब दो ही रास्ते रह जाते हैं। हम अस्पताल के आसपास रहकर रोहिणी की निगरानी करें। जो आदमी रोहिणी को अस्पताल में गुलदस्ता देने आया था शायद वो फिर भी आए। अगर वो फिर आए तो उसका पीछा किया जाए। दूसरा ये कि आज शाम को हम सबको सिवाय होटल में चलना चाहिए जहाँ रोहिणी हर शाम को जाया करती थी और मर्दों का प्यार खरीदा करती थी। शाम को वे सब सिवाय होटल में थे। मेजर सिवाय होटल में उन नौजवानों को देखने आया था जिनका प्यार रोहिणी खरीदा करती थी। वो ऐसे नौजवानों से ये जानना चाहता था कि रोहिणी के मन में कुलवंत के प्रति कोई द्वेष भाव तो नहीं था। क्या उसकी कुलवंत के पिता यशवंत राय से कोई दुश्मनी थी। मेजर और उसके साथियों ने नौजवानों और लड़कियों की मेजों के पास वाली एक मेज संभाल ली। सोनिया मालती और डोरा क्योंकि बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी इसलिए बहुत से नौजवानों का ध्यान उन्हीं की ओर लगा हुआ था। जल्दी ही मेजर को पता चल गया कि रोहिणी किसी भी नौजवान से घनिष्ठता नहीं बढ़ाती थी। वो नौजवानों से ऐसा सलूक करती थी जैसे कोई यात्री एक रात के लिए किसी होटल में कमरा किराए पर लेता है और दूसरे दिन उसे भूल जाता है। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा था। सहसा दूर एक कोने की मेज पर कुछ शोर सुनाई दिया। कोई चीख चीख कर कह रहा था, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारा आँखों के झपकने का अंदाज वही है। तुम्हारी आँख के छोटे से दाने को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम आज बच कर नहीं जा सकते। मेजर और उसके साथियों ने उचक कर देखा कि चीख चीख कर बातें करने वाले नौजवान ने एक नौजवान की शर्ट का गिरबान पकड़ रखा था। फिर एक चीख सुनाई थी। जिस नौजवान ने दूसरे नौजवान का गिरबान पकड़ रखा था वो धम से फर्श पर गिर पड़ा। गिरबान छूटते ही दूसरा नौजवान बिजली जैसी तेजी के साथ पिछले दरवाजे में से दौड़ा। उसे पकड़ने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। मेजर ने सुधीर को इशारा किया, दोनों पिछले दरवाजे की ओर दौड़े लेकिन हॉल में बैठे हुए लोग उठकर खड़े हो गए थे। पिछले दरवाजे तक पहुंचने में उन्हें 5 मिनट लग गए। तभी बाहर एक कार के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मेजर और सुधीर को पिछले दरवाजे की ओर दौड़ते देखकर और लोग भी लपके। मेजर होटल के लॉन में कार पार्किंग कर पहुंचा तो उसने देखा एक एम्बेसडर कार होटल का गेट पार करके सड़क पर पहुंच चुकी थी और उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। उस कार का पीछा करना अब कठिन था क्योंकि मेजर की कार के पीछे किसी ने अपनी कार खड़ी कर दी थी। कार को निकालने में 10 मिनट लग सकते थे। वे तेजी से डाइनिंग हॉल में लौट आए। डोरा ने कहा, वो नौजवान जो गिरबान छुड़ाकर भाग गया है उसका लिबास मैंने देखा था। मुझे सनी व्यू अस्पताल के डॉक्टर की बात याद आ गई। फरार होने वाले नौजवान का लिबास बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि डॉक्टर के कथनानुसार उस नौजवान का था जो अस्पताल में रोहिणी के लिए एक सुंदर बक्स में गुलदस्ता दे गया था और नाम पूछने पर जिसने कहा था कि इंसान का नाम कुछ भी हो सकता है। डोरा की ये बात सुनकर मेजर चौंक पड़ा। वे सब उस नौजवान के पास आए जिसे लोगों ने उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया था। होटल का डॉक्टर उसका घाव साफ कर रहा था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाकर पट्टी बांध दी और फिर उसे दवा पिला दी। एक आदमी बोल उठा, बाल बाल बच गया वरना चाकू सीने में उतर जाता। बला का फुर्तीला आदमी था। इसके कुछ
होश ठिकाने आ जाए तो इसे पूछा जाए कि चाकू मार कर भागने वाला नौजवान कौन था। तभी एक एंग्लो इंडियन महिला ने सुर मचा दिया, दैट बास्टर्ड और हरामी मेरा कार चुरा कर ले गया, होटल वालों को मेरी कार वापस देनी चाहिए, जब तक मुझे मेरी कार नहीं मिलेगी मैं इस होटल से नहीं जाऊंगी। होटल का मैनेजर एंग्लो इंडियन महिला को सांत्वना देता हुआ उसे एक और ले गया। मेजर ने उस घायल नौजवान को देखा जो कुर्सी पर दाएं हाथ की मुट्ठी कसकर बैठा था। वो कहने लगा, मेरे हाथ से निकल गया, मैंने तो उसे पकड़ लिया था, डेढ़ साल के बाद मैंने उसे पहचान लिया, हत्यारा खूनी। उसने अपनी नाक के नीचे वाले दाग को छिपाने के लिए क्या स्वांग बनाया था, मैंने उसका वो दाग भी देख लिया, ये देखो ये रहा उसके हत्यारा होने का प्रमाण। ये कहकर घायल नौजवान ने दाएं हाथ की मुट्ठी खोल दी, उसकी हथेली पर सिगार जैसी मूछें थी। मेजर और उसके साथी ध्यान से उन मूछों को देखने लगे, मेजर के होठ गोल हो गए। जो नौजवान सनी व्यू अस्पताल में रोहिणी को गुलदस्ता देकर गया था, डॉक्टर के कथनानुसार उसके भी सिगार जैसे मूछें थी। मेजर की उत्सुकता बढ़ गई, उसने घायल नौजवान से कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं मेजर बलवंत हूँ। मेजर बलवंत, हमारे देश का जाना माना महान जासूस, किसी ने दूर से कहा। मेजर ने घूमकर उस ओर देखा, सामने से बालकिशन और साधना आ रहे थे। बालकिशन की बात सुनकर बहुत से लोग कहने लगे, मेजर साहब हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप मसूरी पधारे, मसूरी के भाग्य में चार चांद लग गए। लोगों की बात सुनकर घायल नौजवान भी प्रशंसा भरी नज़रों से मेजर को देखने लगा। वो कौन था जो आप पर चाकू का उवार करके भाग गया, मेजर ने पूछा। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि वो देहरादून के केमिस्ट भगवान दास के हत्यारे रतनलाल का साथी है। क्या आप देहरादून के रहने वाले हैं, मेजर ने पूछा। जी हाँ, मेरा नाम केवल कृष्ण है, देहरादून में मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मेरा और भगवान दास केमिस्ट का घर आमने सामने है। जिस दिन रतनलाल ने भगवान दास की हत्या की, मैंने योगासन की तैयारी करते हुए रतनलाल और उसके इस साथी को भगवान दास के मकान से निकलते देखा था। इधर रतनलाल अपने इस साथी के साथ मकान से निकला, उधर भगवान दास के नौकर ने धाड़ मार मार कर रोते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं रतनलाल को पहचानता था, मैंने उसके साथी इस नौजवान को भी एक नज़र देखा था, इसकी नाक के नीचे एक दाग था और आँख में एक छोटा सा सफ़ेद दाना था, ये विचित्र अंदाज से आँखें झपकाता था। मैंने पुलिस में इन दोनों के संबंध में बयान दिया था और इस नौजवान का हुलिया भी बताया था। रतनलाल तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये नौजवान फरार हो गया। रतनलाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने साथी का नाम और पता बताने से साफ इनकार कर दिया। रतनलाल को इस बात से साफ ही मुकर गया कि उसने किसी की सहायता से भगवान दास की हत्या की है। आज मैंने रतनलाल के साथी को पहचान लिया, उसकी आँख के सफ़ेद दाने और आँखें झपकने के अंदाज से। मैं उसे पकड़कर पुलिस को ये बताना चाहता था कि मैंने झूठा बयान नहीं दिया था, रतनलाल का एक साथी भी था जिसकी सहायता से उसने भगवान दास की हत्या की थी, लेकिन दुख है कि शिकार हाथ से निकल गया, केवल कृष्ण ने कहा। दुखी होने की बजाय भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपका शिकार आपको शिकार बनाकर न जा सका, मेजर ने कहा। क्या आप रतनलाल को जानते थे? बहुत अच्छी तरह से जानता था, एक संपन्न और भले घराने का युवक था, वो केमिकल इंजीनियर था, हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्रीज में एक अच्छी नौकरी उसे मिल गई थी, वो अभी अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं कर पाया था कि बेवकूफ़ी कर बैठा और उसने भगवान दास केमिस्ट को मार डाला। उसने भगवान दास केमिस्ट की हत्या क्यों की, मेजर ने पूछा। कहते हैं कि भगवान दास केमिस्ट ने किसी बात पर उसकी प्रेमिका निर्मला के सामने उसका अपमान कर दिया था, मेजर ने केवल कृष्ण से और अधिक कुछ नहीं पूछा। लोगों ने मेजर और उसके साथियों को घेर लिया, लोगों ने विस्की और खाने की दावत देने लगे, लेकिन उन्होंने केवल बालकिशन और साधना का निमंत्रण स्वीकार किया। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मेजर ने साधना से मजाक किया, हनीमून की खुशी में अब फिनाइल की बदबू तो शामिल नहीं है,
साधना झेप गई, लेकिन बाल किशन बोल उठा, अब तो साधना को बंगला बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरह साधना भी अब इस बात को मान गई है कि आप जहाँ होते हैं वहाँ सुरक्षा की भावना होती है। डिनर के बाद मेजर अपने साथियों के साथ जब सिल्वरटन होटल की ओर रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। रास्ते में मेजर ने कहा, सिवाय होटल में आज की घटना का आश्चर्यजनक पहलू ये था कि केवल कृष्ण पर हमला करने वाला नौजवान फरार कैदी रतनलाल का साथी था। रतनलाल का साथी रोहिणी चक्रवर्ती को गुलदस्ता देने के लिए अस्पताल में गया। क्यों? रोहिणी चक्रवर्ती का उस नौजवान से क्या संबंध था? एक अनूठा केस है, मज़ा आ रहा है। हर घटना परस्पर जुड़ी हुई है। हत्या के इस केस में जितने लोग भी उलझे हुए हैं उनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ जाता है। हल्का हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। मेजर बड़ी सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने सनी व्यू अस्पताल के पास सुधीर और डोरा को रोहिणी चक्रवर्ती की निगरानी के लिए उतार दिया और उधर वालूगंज जाने वाली सड़क पर एक नौजवान बड़ी सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। उसका रंग गेहुआ था। वो एक स्वस्थ नौजवान था, लेकिन उसका चेहरा दुबला था, जैसे वो बीमार रहा हो या उसे किसी गहरे शोक को सहन करना पड़ा हो। उसकी कार की पिछली सीट पर सादा साड़ी में 88 वर्ष की एक बुढ़िया बैठी थी। उस बुढ़िया का रंग गोरा और आँखें चमकीली थी। उसने अपने सफ़ेद बाल अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा रखे थे। उस बुढ़िया के साथ एक नौजवान बैठा था, सफाचट गोल चेहरा, नाक के नीचे प्लास्टर लगा हुआ था जिसे सेव करते हुए ब्लेड लग गया हो। उसकी आंखों पर हल्के रंग के शीशे की ऐनक थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान ने, जिसकी टोपी उसकी आंखों तक झुकी हुई थी, जरा सा मुँह मोड़कर बुढ़िया से पूछा, डॉक्टर ने फ़ोन पर क्या बताया था? डॉक्टर ने फ़ोन पर बताया था कि रोहिणी होश में आ चुकी है, वो सबको पहचाने लगी है और घर जाने के लिए बेकरार है। आशा है डेढ़ घंटे तक घर पहुंच जाएगी। इस बार रोहिणी का दौरा अधिक देर तक नहीं रहा। हाँ, मुझे आशा है कि अब रोहिणी को बहुत जल्द इस निराली बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बीमारी के भी अपने दिन होते हैं, बुढ़िया के पास बैठे हुए नौजवान ने कहा। हाँ, न सुख सदा रहता है न दुख, बुढ़िया बोली। उनकी कार वारलूगंज पहुंच गई और चित्रकार रोहिणी चक्रवर्ती की रेनबो कॉटेज के लॉन में पहुंचकर रुक गई। कॉटेज के बरामदे में सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाला मूलचंद माथुर अपनी पत्नी राधा के साथ खड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी का आनंद ले रहा था। उसने कार से बुढ़िया को उतरते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, आइए माताजी, रोहिणी तो अस्पताल में है, बहुत दिनों बाद आई आप। हम अस्पताल को फ़ोन करने के बाद ही आए हैं, रोहिणी आ रही है, इस बार उस पर दौरा लंबा नहीं पड़ा, बुढ़िया बोली। भगवान एक न एक दिन सबकी सुनता है, माथुर बोला। हल्की बूंदाबांदी अचानक तेज बारिश में बदल गई, छींटे बरामदे के अंदर तक पहुँचने लगी। माताजी, जब तक रोहिणी नहीं आती तब तक इधर हमारे यहाँ आ जाइए, माथुर ने पीछे मुड़ते हुए कहा। नहीं, हम लोग रोहिणी के ड्राइंग रूम में बैठेंगे, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, बुढ़िया बोली और फिर साड़ी में उड़सी हुई चाबियाँ निकालने लगी। रोहिणी के फ्लैट का ताला खोलकर वे सब ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम की दीवारों पर रोहिणी की बनाई हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी। मदन इस ड्राइंग रूम में बैठकर यूँ लगता है जैसे किसी अजायब घर में बैठे हो, हरे चश्मे वाले नौजवान ने उस नौजवान से कहा जिसने कार ड्राइव की थी। ये एक चित्रकार की दुनिया है सुरेश, मदन बोला। समय बर्बाद ना करो, रोहिणी के आने से पहले काम निपटा लो, बुढ़िया बोली। हमें यहाँ रोहिणी का इंतजार करने के सिवा और क्या काम करना है, सुरेश ने बुढ़िया की बात पर चौंक कर कहा। सुरेश, माताजी जबानी प्रतिज्ञा को नहीं मानती, वो साक्षी के साथ प्रतिज्ञा चाहती है, मदन बोला। साक्षी? कैसा साक्षी, सुरेश ने घबरा कर पूछा। माताजी रक्त की नहीं अग्नि की साक्षी चाहती है, मदन बोला। अग्नि की साक्षी, ये कैसी साक्षी होती है, सुरेश ने और अधिक घबरा कर पूछा। अभी पता चल जाएगा कि अग्नि की साक्षी
कैसी होती है, मदन ने कहा और अपना बैग खोलने लगा। उसने बैग में से स्प्रिट लैंप निकाला और सेंटर टेबल पर रख दिया। दिया सलाई जलाकर लैंप चला दिया। लैंप की बत्ती लंबी थी, उसने 2 इंच की नीली लौ उठने लगी। सुरेश आश्चर्य से स्प्रिट लैंप को देखता रहा। बुढ़िया ने कहा, सुरेश मेरे साथ साथ कहो, जमाना बदलता है, मैं नहीं बदलूँगा। सुरेश ने कहा, जमाना बदलता है, मैं नहीं बदलूँगा। बुढ़िया ने कहा, आदमी वही है जो अपने वचन पर दृढ़ रहे। सुरेश ने दोहराया, आदमी वही है जो अपने वचन पर दृढ़ रहे। बुढ़िया ने कहा, बात का धनी और बहादुर आदमी आग और तलवारों की छाँव में से गुजर जाता है, लेकिन अपनी बात पर डटा रहता है। सुरेश ने दोहराया, बात का धनी और बहादुर आदमी आग और तलवारों की छाँव में से गुजर जाता है, लेकिन अपनी बात पर डटा रहता है। बुढ़िया ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, सुरेश अपनी कमीज की दाई आस्तीन अपनी कोहनी तक चढ़ा लो। सुरेश ने अपनी कमीज की दाई आस्तीन कोहनी तक चढ़ा ली। सुरेश अग्नि हर चीज़ को पवित्र बना देती है, रोग और पाप को जला देती है, आदमी को एक ऐसा चिन्ह प्रदान करती है जो अमिट होता है। अपनी बाह लैंप की लौ पर ले जाओ और लौ से अपनी बाह पर कद का शब्द बनाओ। कद ये किस भाषा का शब्द है, सुरेश ने पूछा। प्रश्न मत करो, बाह पर अग्नि की लौ से कद शब्द लिखवा लो, अमिट चिन्ह, जिससे पता चलेगा कि तुम अपने वचन के पूरे हो और पूरे रहोगे, बुढ़िया आदेश भरे स्वर में बोली। सुरेश अपनी कलाई का ऊपरी हिस्सा लैंप की लौ से 1 इंच ऊपर ले गया। एक पल के लिए उसकी बाह कांप उठी, दांत भींच गए, जैसे वो पूरा जोर लगाकर अपनी कराह रोक रहा हो। उसके चेहरे पर पीड़ा उभर आई। वो अपनी कलाई को धीरे धीरे घुमाने लगा ताकि लैंप की लौ कलाई पर कद शब्द बना दे। बुढ़िया ने अपना बैग खोला और उसमें से उसने बहुत ही बारीक फल का नस्तर निकाला, जिसका दस्ता हाथी दांत का था। सुरेश तुम लैंप की लौ से केवल अपना हाथ चला लो, मैं इस नस्तर से कद का शब्द बना दूंगी। अगर इतना सही काम था तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी, ये काम तो वहाँ भी हो सकता था, सुरेश ने पीड़ा कम करने के लिए बातें करना ठीक समझा। ऐसे मौके पर बात नहीं किया करते, ऐसे पवित्र अवसर पर आदमी को अपने धैर्य और सहनशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, बुढ़िया ने हिदायत दी। सुरेश चुप हो गया, उसकी कलाई पर सुर्ख दाग उभर आया और फिर वो ब्राउन सा होने लगा। सुरेश अपना हाथ लौर पर से हटाकर मेरी गोद में रख दो, बुढ़िया ने हिदायत की। सुरेश ने ब्राउन दाग वाला हाथ बुढ़िया की गोद में रख दिया। बुढ़िया ने ब्राउन दाग पर नस्तर से कद शब्द लिख दिया। सुरेश ने बड़ी कठिनाई से अपनी कराही रोकी। बुढ़िया ने नस्तर हिलाते हुए कहा, सुरेश तुमने इस पवित्र रस्म के समय अपने धैर्य अपनी शक्ति अपने साहस और अपनी सहन शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं किया। तुम अपना वचन किसी समय भी तिनके की तरह तोड़ सकते हो। खैर मेरे साथ साथ कहो, वचन तोड़ने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं है, सुरेश ने कहा। वचन तोड़ने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सुरेश का वाक्य जैसे ही पूरा हुआ, बुढ़िया के हाथ का बारीक फल वाला नस्तर उसके सिर के नीचे से उसके गले में से होता हुआ बाहर निकल गया। बुढ़िया ने तेजी से नस्तर बाहर खींच लिया। सुरेश पीछे की ओर गिरा और उसकी पीठ दीवार से जा लगी। बुढ़िया ने नस्तर अपने बैग में रखकर बैग बंद कर दिया और उठकर टेलीफोन की मेज के पास चली गई। उसने रिसीवर उठाकर एक नंबर मिलाया और जोर जोर से उठपटांग बातें करती रही। मदन स्प्रिट लैंप बुझाकर अपने बैग में रख चुका था। बुढ़िया ने फोन पर 5 मिनट तक ऐसी बातें की जो किसी की समझ में नहीं आ सकती थी। जब उसने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया तो मदन ने अपना और बुढ़िया का बैग उठा लिया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, हर तरफ पानी ही पानी। सनी व्यू अस्पताल की निचली मंजिल पर रिसेप्शन रूम था, इंक्वायरी ऑफिस था, बंद डिब्बे जैसा एक काउंटर था जहां से दवाइयां नगद खरीदी जा सकती थी। सुधीर और डोरा बेंच पर बैठे थे। इसी रिसेप्शन रूम से मरीज अस्पताल के अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे। डोरा ने रोहिणी चक्रवर्ती के बारे में मालूम कर लिया था।
कि उसे होश आ चुका है और अपनी रेनबो कॉटेज में वापस जाने के लिए तैयार हो रही है। वो असल में अपना इत्मीनान कर लेना चाहती थी कि उसकी अजीब बीमारी का दौरा घर वापस जाते ही तो फिर नहीं पड़ जाएगा। सुधीर और डोरा रोहिणी के नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षा का आनंद ले रहे थे। डोरा अस्पताल के पास वाले टैक्सी स्टैंड पर जाकर एक टैक्सी रिजर्व कराई थी और टैक्सी ड्राइवर को इंतज़ार करने के लिए कहाई थी। मूसलधार वर्षा डोरा और सुधीर के तन मन में तूफान जगा रही थी। वे बार बार एक दूसरे से सट जाते थे। इस दबे घुटे प्यार का अपना ही एक आनंद होता है जब आप लोकलाज के मारे खुलकर प्यार ना कर पाए, लेकिन जी भर कर प्यार करना चाहे तो उसका भी अपना अनोखा ही आनंद होता है। कभी कभी भावनाओं के प्रवाह को रोकने में भी आनंद आता है। सुधीर और डोरा इसी प्रकार के आनंद में खोए हुए थे कि रोहिणी चक्रवर्ती को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। रोहिणी के हाथ में छोटी सी अटैची थी। उसने साड़ी इस ढंग से बांध रखी थी कि उसका बदन साड़ी में समा नहीं रहा था। उसके बदन की गोलाइयां अस्पष्ट दिखाई दे रही थी और रिसेप्शन रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। उसने लॉन पर चारों ओर नजरें दौड़ाई जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो या इस आशा में हो कि कोई परिचित उसे मिल जाएगा। इस समय रोहिणी का रवैया बहुत ही रहस्यपूर्ण दिखाई दे रहा था। सुधीर और डोरा सतर्क हो गए। रोहिणी 5 मिनट तक दरवाजे में खड़ी रही और जब उसे वो चीज़ न दिखाई दी जिसे वो खोज रही थी तो उसने हाथ के इशारे से लॉन में खड़ी एक टैक्सी बुलाई और टैक्सी में जा बैठी। सुधीर और डोरा भी अपनी रिजर्व कराई हुई टैक्सी की ओर लग गए। टैक्सी तक पहुँचते पहुँचते दोनों पानी से तर हो गए। रात का अंधियारा बहुत गहरा था। सुधीर और डोरा का विचार था कि रोहिणी चक्रवर्ती अपनी कॉटेज में नहीं बल्कि कहीं और जाएगी। उनका ये विचार गलत सिद्ध हुआ। रोहिणी सीधी अपनी कॉटेज में पहुंची। डोरा और सुधीर ने अपनी टैक्सी कॉटेज के बाहर रुकवा ली। वो बड़ी खामोशी और सावधानी से कॉटेज के लॉन में पहुँचे और अंधेरे स्थान पर खड़े हो गए। रोहिणी की टैक्सी वापस चली गई। रोहिणी ने बरामदे की बत्ती जलाई और ताला खोलने लगी। कॉटेज के इस बाएं हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था। ताले में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ सुनकर दाएं हिस्से के लोग जाग गए थे। कमरे में रोशनी हो गई थी। रोहिणी दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में पहुंची और तभी एक हृदय उवेदी चीख सुनाई दी जिसने अंधेरे का सीना चीर डाला। सुधीर और डोरा कॉटेज की ओर दौड़े। कॉटेज के दाएं हिस्से का दरवाज़ा भी खुल गया। एक स्त्री और एक पुरुष उस दरवाजे में से निकलकर रोहिणी के घर के दरवाजे की ओर दौड़े। वे दोनों रोहिणी के कमरे में पहुंचे तो एक और चीख सुनाई दी। ये किसी दूसरी स्त्री की चीख थी। डोरा और सुधीर बारिश में बुरी तरह भीगे हुए रोहिणी के ड्राइंग रूम में पहुंचे। उनके गीले कपड़ों से पानी टपक टपक कर कालीन पर गिर रहा था। आप कौन है? रोहिणी ने डोरा और सुधीर से पूछा। डोरा और सुधीर कालीन पर औधी पड़ी हुई एक आदमी की लाश देख रहे थे। लाश औधी पड़ी थी इसलिए वे उसे पहचान ना पा रहे थे, लेकिन वे लाश के लिबास को पहचान गए थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था और इसलिए वे रोहिणी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। सुधीर ने संभालने के बाद कहा, हम मूलचंद सुधीर और डोरा को पहचान चुका था। बोल उठाओ, मिस रोहिणी, ये प्रसिद्ध जासूस मेजर बलवंत के असिस्टेंट है। मेजर बलवंत आज आपसे मिलने के लिए आए थे लेकिन आप अस्पताल में थी। किसी जासूस को मुझसे क्या काम हो सकता है? रोहिणी बोली। ये लाश ही बता रही है कि हमें आपसे क्या काम हो सकता है। हम आपका अस्पताल से पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, डोरा ने कहा। आपने मेरा पीछा क्यों किया? रोहिणी ने रुखे स्वर में पूछा। इस प्रश्न का जवाब आपको अभी मिल जाएगा, सुधीर ने कहा और बढ़कर लाश सीधी कर दी। डोरा और सुधीर के मुंह से एक साथ निकला, ओह, ये और यहाँ और फिर इस हालत में, ये कौन है ये? रोहिणी ने पूछा। ये मेरे कमरे में कैसे आया? इसकी हत्या किसने की? डोरा और सुधीर दोनों ही लाश को देखने में व्यस्त थे। फर्श पर मुर्दा पड़ा हुआ व्यक्ति अधिक लंबे कद का नहीं था। उसका बदन बहुत कठीला था।
उसने कार्ड राय की शर्ट और सफ़ेद स्ट्रचलिन की पतून पहन रखी थी। उसके गले में छोटा सा छेद था जिस पर थोड़ा सा खून जमा हुआ था। उसकी मूंछें सिगार जैसी थी। उसकी शर्ट की जेबें खाली थी, पतलून की जेबें भी उल्टी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि हत्यारा उसकी जेबों में कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसकी हत्या किसी बारीक फल वाले हथियार से की गई थी, इसलिए खून बहुत कम निकला था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सो रहा हो। ये तो वही है जो सिवाय होटल में केवल कृष्ण की चाकू मारकर और एक एंग्लो इंडियन महिला की कार चुराकर भाग आया था, डोरा बोली। ये कौन है? रोहिणी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। यही प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं कि ये कौन है? सुधीर बोला। मैं इसे नहीं जानती, मैं तो पहली बार इसकी शक्ल देख रही हूँ, रोहिणी ने कहा। देखिए मिस रोहिणी, गलत बयान देने से आदमी मुसीबत में फंस जाता है। आप इस आदमी को जानती हैं? ये आदमी आपको सनी व्यू अस्पताल में गुलदस्ता देकर आया था। ये आदमी मुझे अस्पताल में गुलदस्ता देकर आया था, लेकिन मैं होश में कहाँ थी। नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अस्पताल में गुलदस्ता देने क्यों आया था। ये कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? रोहिणी ने पूछा। हाँ, हम इसे जानते हैं। हमें इसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये देहरादून के केमिस्ट भगवान दास के हत्यारे रतनलाल का साथी है। और शायद आप जानती हैं कि फरार कैदी रतनलाल को भी मार डाला गया है। हत्यारे रतनलाल का साथी आज सिवाय होटल में देहरादून के एक व्यक्ति को मार डालना चाहता था जिसने इसे पहचान लिया था। हत्यारे का साथी आपको अस्पताल में गुलदस्ता देने गया क्यों? सुधीर ने पूछा। मैं कह चुकी हूँ कि मैं इसे नहीं जानती, रोहिणी बोली। जरा ठहरिए, इसकी सिगार जैसी एक मूछ केवल कृष्ण ने उखाड़ ली थी, लेकिन ये फिर दोनों मूछे लगाकर यहाँ पहुँचा। ये कहकर सुधीर आगे बढ़ा और उसने लाश के चेहरे से मूछे उखाड़ ली। मूछे उखड़ जाने पर नाक के नीचे लगा हुआ प्लास्टर अस्पष्ट दिखाई देने लगा। क्या आप अब इसे पहचान सकती है? सुधीर ने रोहिणी से पूछा। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा, रोहिणी ने उत्तर दिया। लेकिन मैंने इसे पहचान लिया है, मूलचंद बोल उठा। ये आदमी मिस रोहिणी की माताजी और एक लंबे तड़ंगे नौजवान के साथ ही आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही की तो बात है, मेरी माताजी इस आदमी को यहाँ लाई थी। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें तो कलकत्ता गए हुए 8 दिन हो चुके हैं। मैं उन्हें बस पर चढ़ा कर आई थी। बस स्टैंड का वो टिकट बाबू भी गवाह है जिसने टिकट पाने में मेरी सहायता दी थी। आपको धोखा हुआ होगा। नहीं, आपकी माताजी ही थी। कहने लगी कि उन्होंने अस्पताल में फ़ोन किया था और डॉक्टर ने उनको बताया था कि आप होश में आ चुकी हैं और घर आने वाली है। वो यहाँ दो नौजवानों के साथ आपकी प्रतीक्षा करती रही। उन दो नौजवानों में से एक नौजवान ये था, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपकी माताजी तो उन दोनों नौजवानों के साथ वापस चली गई थी। हमने उन तीनों को अपनी आँखों से वापस जाते हुए देखा था। इस नौजवान के पैर में मोच आ गई थी। जब ये तीनों वापस गए तो लंबा तड़ंगा नौजवान इस नौजवान को संभाले हुए था। उस समय इसकी नाक के नीचे मूछे नहीं थी, नाक के नीचे बस प्लास्टर लगा हुआ था। आपकी माताजी कह गई थी कि वो कल सुबह आएंगी। बड़ी हैरानी की बात है कि नौजवान मूछे लगाकर आपके कमरे में वो वापस कैसे आ गया, जबकि इसके पाँव में मोच आई हुई थी। और इसके यहाँ वापस आने पर इसे किसने मार डाला होगा? किसने कत्ल कर डाला इसके? सुधीर लाश के पास चला गया। उसने लाश की दोनों टांगे और पाँव देखे। उसने बताया कि लाश के पाँव में मोच का कहीं कोई निशान नहीं है, पैर में कहीं भी सूजन नहीं है। फिर सुधीर ने लाश की आंखों के पपोटे हटाकर आंखें देखी। एक आंख में बहुत छोटा सा सफ़ेद दाना था। सुधीर ने नाक के नीचे लगा प्लास्टर उखाड़ दिया। फिर लाश के पास से उड़ते हुए बोला, यहाँ त्यारे रतनलाल का साथी है। सब पर खामोशी छाई हुई थी। कुछ सोचते हुए सुधीर ने रोहिणी से कहा, रतनलाल का साथी अस्पताल में आपको गुलदस्ता देने गया और अब आपकी कॉटेज में मुर्दा पड़ा है।
इसकी हत्या की गई है। इसे आपकी माताजी यहाँ लाई थी। मूलचंद के बयान के अनुसार आपकी माताजी इसे अपने साथ वापस ले गई, लेकिन ये लौट आया। इसे मालूम था कि आप अस्पताल से आने वाली है। जब यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा था तो किसी ने इसकी हत्या कर डाली। इस सब बातों के होते हुए भी आप कह रही है कि आप इसे नहीं जानती। आपकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? मैं बराबर यही कहूँगी कि मैं इसे नहीं जानती। रही ये बात कि मेरी माँ इसे यहाँ लाई थी, मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मूलचंद जी को धोखा हुआ है, डोरा ने सुधीर के पास आकर कहा। सुधीर, तुमने एक बात नोट नहीं की? कमरे में मैथिलेटेड स्प्रिट की बदबू फैली हुई है। मैथिलेटेड स्प्रिट की बदबू? सुधीर ने नथने फुलाए। हाँ, हल्की हल्की बदबू तो है। तो सुधीर, हमें अब मेजर साहब को यहाँ बुला लेना चाहिए। इतनी रात गए, उनको क्यों तकलीफ दी जाए? अगर हमने उन्हें सूचना न दी तो नाराज होंगे, डोरा ने कहा। मैं उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकती, मैं उनको फ़ोन किए देती हूँ। डोरा टेलीफोन की मेज के पास चली गई। उसने मेजर को फ़ोन पर इस नई घटना के संबंध में बता दिया। मेजर ने कहा कि वो फौरन ही रेनबो कॉटेज पहुँच रहा है। जिस समय डोरा ने मेजर को फ़ोन किया, उस समय सोनिया और मेजर एक दूसरे की बाहों में कैद थे। उनके होठ सख्ती से एक दूसरे के होठों से मिले हुए थे। सोनिया मेजर के सीने से फूल बेल की तरह चिपकी हुई थी। मेजर सोनिया के शरीर के मादक स्पर्श का अनुभव कर रहा था। सोनिया मेजर की बाहों के मजबूत घेरे में उसके शरीर का दबाव अपने शरीर पर महसूस करके रोमांचित हो रही थी। डोरा के फोन ने उनके प्यार में खलल डाल दिया। थोड़ी देर के बाद मेजर मालती सोनिया और क्रोकोडाइल के साथ वार्लूगंज की ओर रवाना हो गया। डोरा ने बताया था कि रोहिणी के कमरे में मैथिलेटेड स्प्रिट की बदबू फैली हुई है, इसलिए उसने क्रोकोडाइल को ले जाना जरूरी समझा। रेनबो कॉटेज के बाएं हिस्से के सामने वाले कमरे में तेज रोशनी हो रही थी। मेजर सोनिया मालती और क्रोकोडाइल के साथ उस कमरे में पहुंचा तो रोहिणी उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि मेजर एक जासूस नहीं बल्कि एक पूर्ण पुरुष है। उसे आँखों ही आँखों में तुल रही थी और सोच रही थी कि काश वो उसका प्यार खरीद सके। मूलचंद माथुर ने मेजर को नमस्ते की। डोरा ने जल्दी जल्दी सारी घटना सुना दी। रतनलाल के साथी की हत्या एक आश्चर्यजनक घटना थी। मेजर ने किसी से बात करने से पहले लाश का निरीक्षण किया। क्रोकोडाइल के नथुनों से विचित्र प्रकार की आवाजें आ रही थी, जैसे वो जोर लगाकर कोई चीज सूंघ रहा हो। लाश की दोनों बाहें बगलों से कटी हुई थी। मेजर हैरान था कि लाश की दाई बाह की आस्तीन कोहनी तक क्यों चढ़ी हुई है। उसने लाश की दाई बाह ऊपर उठाई और चौंक पड़ा। मेजर ही नहीं, उसके सभी साथी भी चौंक पड़े। लाश की बाह की कलाई पर एक ब्राउन दाग के नीचे खाल कुछ इस तरह उधरी हुई थी कि वहाँ हिंदी में कत शब्द गुदा हुआ सा दिखाई दे रहा था। सुधीर और डोरा लाश की बाह को फटी फटी आँखों से देख रहे थे। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने लाश की बाह को क्यों नहीं देखा। मेजर ने कहा, लाश की दाई कलाई पर यह ब्राउन दाग जलने का ताज़ा निशान है। किसी तेज नस्तर से इस दाग में कद शब्द खुदा हुआ है। ये ब्राउन दाग भी ताज़ा है और उस पर खुदा हुआ कथ शब्द भी ताज़ा है। कमरे में मैथिलेटेड स्प्रिट की गंध का अर्थ है कि लाश की बाह पर ब्राउन दाग स्प्रिट लैम्प की लौ से बनाया गया। जिस नस्तर से ब्राउन दाग पर कद शब्द खोदा गया है, उसी नस्तर से इसकी हत्या की गई है ताकि खून अधिक न निकले। हत्यारा बहुत ही अनुभवी मालूम होता है, अपने काम में पूर्णतया कुशल है। अब मूलचंद जी की बयान के अनुसार ये देखना है कि नौजवान इस कमरे में जाकर फिर कैसे लौट आया। अगर इसकी हत्या यहाँ लाकर की गई तो इसके वापस जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो क्या कोई चौथा आदमी पहले से यहाँ मौजूद था? इसकी हत्या करने के बाद तीन आदमी यहाँ से वो वापस गए, इसका अर्थ है कि चौथा आदमी यहाँ पहले से मौजूद था। मैं अभी इस बात की जाँच के लेता हूँ। ये कहकर मेजर कमरे से निकलकर बरामदे में चला गया। उसने बरामदे की बत्ती जला दी। बरामदे में जूते के बहुत से निशान थे, लेकिन दो निशान अनोखे थे। वे घिसटते हुए पैरों के निशान थे।
वे निशान आगे भी मुड़ते थे और पीछे भी। मेजर के होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाता हुआ कमरे में लौट आया। मेजर ने कहा, चौथा आदमी कोई नहीं था। मूलचंद जी का कहना ठीक है कि रोहिणी जी की माताजी के साथ सिर्फ दो नौजवान थे, जिनमें से एक मृतक था। हथियारों ने बड़ी होशियारी और चलाकी से काम किया। उन्होंने मृतक के पैर में मोच आ जाने का बहाना किया। वास्तव में इसकी हत्या करने के बाद लंबा तड़ंगा नौजवान सहारा देकर लाश को बाहर लाया। मूलचंद जी ने ये समझा कि तीनों ही वो वापस जा रहे हैं, लेकिन वे तीनों वो वापस नहीं गए। लंबा तड़ंगा नौजवान मूलचंद जी की आँख बचाकर लाश को फिर कमरे में छोड़ गया और लाश के चेहरे पर उसने सिगार जैसी मूछें लगा दी। इसका चेहरा बदल दिया, लेकिन मृतक का वास्तविक मेकअप यही था। इसी मेकअप में वो अपना वास्तविक चेहरा छिपाए हुए था। लंबा तड़ंगा नौजवान लाश को मेकअप करने के बाद रोहिणी की माँ के पास चला गया, जो सड़क पर कार में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी माँ, मेरी माँ, रोहिणी ने चिल्लाते हुए कहा। मैं कहती हूँ कि मेरी माँ नहीं थी। मूलचंद बाबू को इस अंधेरे में धोखा हुआ है। आप खुद ही सोचिए, अगर वो मेरी माँ होती तो मेरे यहाँ इस नौजवान को लेकर क्यों आती? मेरी माँ मेरी दुश्मन नहीं है। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को हत्या के अपराध में फंसा कर खुश होगी? मैं इस मृतक नौजवान को नहीं जानती। ये तो मेरे किसी दुश्मन का काम है। मेरे किसी दुश्मन ने इस नौजवान को यहाँ लाकर इसकी हत्या की, ताकि हत्या का अपराध मुझ पर लगे। कोई मेरी बीमारी से लाभ उठाना चाहता था और ये प्रकट करना चाहता था कि मैं, क्योंकि बीमार होने पर किसी को पहचान नहीं पाती और न मुझे होश रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैंने उस हालत में इस नौजवान को मार डाला। रोहिणी चक्रवर्ती के तर्क ठोस थे। मेजर जानता था कि उसके तर्कों में बहुत वजन है और वो सच कह रही है। मामला कुछ और ही हो सकता है। शायद कोई रोहिणी को हत्या के अपराध में फंसाना चाहता है। मेजर सारे मामले की और गहराई से जांच करना चाहता था। मेज पर स्प्रिट की गंध अधिक तेज थी। मेजर ने क्रोकोडाइल को गोद में लेकर उस मेज पर बैठा दिया और क्रोकोडाइल की गर्दन उस स्थान पर झुका दी जहां स्प्रिट की गंध अधिक तेज थी। क्रोकोडाइल ने उस स्थान को दो तीन बार सूंघा और फिर तेजी से कूद गया। मेजर ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग मेरा यही इंतज़ार करो, मैं क्रोकोडाइल के पीछे पीछे कार में जाता हूँ। मालती, अपने बैग में से टॉर्च निकाल दो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, सोनिया ने कहा। मेजर और सोनिया कार में बैठकर क्रोकोडाइल नामक उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें अधिक दूर न जाना पड़ा। क्रोकोडाइल ने रफ्तार तेज कर दी। मेजर समझ गया कि क्रोकोडाइल को कोई चीज़ मिल गई है या रास्ता मालूम हो गया है, इसलिए उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। क्रोकोडाइल टॉर्च की रोशनी की पहुंच से दूर जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर क्रोकोडाइल रुक गया और किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर काटते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। मेजर ने अपनी कार क्रोकोडाइल के पास रोक दी और सोनिया के साथ कार से उतर आया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में एक स्प्रिट लैम्प देखा जिसके चारों ओर क्रोकोडाइल चक्कर काट रहा था। मेजर ने हाथ पर रुमाल लपेटकर स्प्रिट लैंप उठाया और कार के पास आकर अपने बैग में रख लिया। उसने क्रोकोडाइल को फुचका कर बुलाया, लेकिन वो सड़क पर आगे की ओर दौड़ने लगा। मेजर और सोनिया फिर कार में जा बैठे। क्रोकोडाइल बड़े आराम से सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। कुछ मिनट के बाद वो सड़क के किनारे रुक गया। मेजर की कार क्रोकोडाइल के पास पहुंची तो उसने देखा क्रोकोडाइल एक कार के पास खड़ा था। वो एम्बेसडर कार थी, खाली थी। कोई उसे सड़क किनारे छोड़कर चला गया था। होना हो, ये कार उस एंग्लो इंडियन महिला की है। इसे सिगार जैसी मूछों वाला नौजवान चुरा कर ले गया था, जिसने सवाय होटल में केवल कृष्ण पर चाकू से वार किया था, सोनिया बोली। मेजर ने सोनिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठ चूम कर बोला,
सोनिया, तुम्हारा अनुमान ठीक है। मेजर कार से उतरकर उस एम्बेसडर कार के पास चला गया। उसने कार का दरवाज़ा खोलकर क्रोकोडाइल को कार के अंदर जाने का इशारा किया। क्रोकोडाइल कार के अंदर चला गया। कुछ मिनट तक वो कार के अंदर कुछ सूंघता रहा, फिर कार से निकलकर पीछे की ओर दौड़ने लगा। मेजर और सोनिया अपनी कार में जा बैठे और उनकी कार क्रोकोडाइल के पीछे पीछे चल पड़ी। क्रोकोडाइल उन्हें फिर रेनबो कॉटेज में ले आया। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मेजर ने कहा, मैं मान गया हूं कि हत्यारा बहुत ही समझदार है, ये आप कैसे कह सकते हैं? डोरा ने पूछा। हत्यारा जानता है कि आजकल पुलिस के पास जासूस कुत्ते भी होते हैं। उसने स्प्रिंट लैंप रास्ते में फेंक दिया और एंग्लो इंडियन महिला की कार भी सड़क के किनारे छोड़ दी। हत्यारे ने अपने कपड़ों में कोई खुशबूदार चीज नहीं रखी। उसने इस नौजवान के कपड़ों में कोई खुशबूदार चीज रखी जिसकी उन्होंने यहाँ हत्या की। हत्यारे का विचार था कि अगर पुलिस ने कोई जासूस कुत्ता छोड़ा तो वो सड़क पर पड़े स्प्रिट लैंप से आगे न जा सकेगा, और अगर पुलिस किसी तरह एम्बेसडर कार तक पहुंच गई तो जासूस कुत्ता कार सूंघने के बाद वो वापस रेनबो कॉटेज में ही पहुंचेगा जहां ये लाश पड़ी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हत्यारा बहुत ही बुद्धिमान है। मेजर ये कहकर लाश के ऊपर झुककर उसके कपड़ों को सूंघने लगा। उसके कपड़ों में कोई खुशबू ना थी। वो उठकर सीधा हो गया और मेज के पास चला गया। उसने मेज पर पड़ी सिगार जैसी मूंछें उठा ली और उन्हें सूंघने लगा। मूंछों में से बाल चिपकाने वाले सरेस और मूंछों पर लगी क्रीम की गंध आ रही थी। मेजर ने सिगार जैसी मूंछें हिलाते हुए कहा, कार में इन मूंछों की ही गंध थी। यही कारण है कि सड़क के किनारे छोड़ी हुई कार की गंध सूंघकर क्रोकोडाइल यहाँ लौट आया। फिर मेजर ने मालती से कहा, मालती तुम फोन पर सिवाय होटल के मैनेजर को सूचना दो कि एग्लो इंडियन महिला की कार वार्लूगंज रोड पर खड़ी है। एंग्लो इंडियन महिला मैनेजर की जान खा रही होगी, फोन कर दो, बेचारे मैनेजर की जान छूट जाएगी। मालती ने होटल के मैनेजर को फ़ोन किया तो बहुत खुश हुआ। उसने मेजर को धन्यवाद देते हुए मालती को बताया कि एग्लो इंडियन महिला और उसका पति उसे बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे। मेजर परिस्थितियों पर विचार करने और सारे विवरणों की छानबीन करने के बाद मिस रोहिणी चक्रवर्ती के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। मिस रोहिणी, हत्या की इस केस की अब तक जो छानबीन की गई है इससे आप बड़ी मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर ना देंगी तो आपकी मुसीबत और भी बढ़ जाएगी, शायद आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। क्यों, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? रोहिणी ने पूछा। इस समय तक की छानबीन से यही मालूम होता है कि आपने और आपकी मां ने मिलकर बैरिस्टर यशवंत राय, उनके बेटे कुलवंत राय और फरार कैदी रतनलाल की हत्या की। मेजर साहब आप भूल रहे हैं, मैं चित्रकार हूँ, कलाकार हूँ। कलाकार सृष्टि करता है, निर्माण करता है, लेकिन प्रलय और विनाश की बात सोच भी नहीं पाता। वो जब भी सोचेगा जीवन और निर्माण की बात सोचेगा। मैं आपको इससे अधिक और क्या विश्वास दिलाऊं कि मैं हत्यारी नहीं हूँ। अब रही मेरी माँ की बात, वो बहुत धार्मिक विचारों की है, इसलिए मैंने अपनी माँ को अपने पास नहीं रखा। मेरी माँ हत्या करना तो दूर, किसी का दिल तक दुखाना पसंद नहीं करती, पाप समझती। हत्या तो उन्हें न जाने कितने जन्मों तक नरक की अग्नि में जलाएगी। नहीं, मेरी माँ कभी भी हत्यारी नहीं हो सकती। मेजर रोहिणी चक्रवर्ती के तर्कों को उचित मान चुका था। वो सोचने लगा कि मूलचंद के बयान के अनुसार जो बुढ़िया दो नौजवानों के साथ यहाँ आई थी, यदि रोहिणी की माँ नहीं थी तो कौन थी वो बुढ़िया? कैदी रतनलाल के साथी की रोहिणी के मकान में हत्या क्यों की गई? मृतक की कलाई पर ब्राउन दाग और उस पर गुधे कद शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? कैदी रतनलाल का साथी मेकअप बनाकर यहाँ मसूरी में क्या कर रहा था? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने चाहिए, लेकिन अभी उत्तर नहीं मिले थे। मेजर ने रोहिणी से पूछा, मिस रोहिणी, जिस दिन कुलवंत राय की हत्या की गई उस दिनों से आपने हैप्पी वैली के इलाके में मिलने के लिए बुलाया था, क्यों? मैंने कुलवंत को हैप्पी वैली के इलाके में मिलने का समय तो दिया था, लेकिन उसी दिन मुझ में बीमारी के लक्षण प्रकट होने आरम्भ हो गए थे।
मैं बीमारी बढ़ जाने के डर से बाहर नहीं गई, मेरी बीमारी लगातार बढ़ती चली गई। मैंने टैक्सी मंगवाई और सनी व्यू अस्पताल चली गई और कुलवंत से न मिल सकी। आप कुलवंत से क्यों मिलना चाहती थी? आपने उसे हैप्पी वैली के इलाके में मिलने के लिए क्यों बुलाया था? आप उसे अपने घर भी तो बुला सकती थी। नहीं, मैं उसे अपने घर नहीं बुला सकती थी। मुझे कुलवंत पसंद था, उससे मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। 4 दिन हुए मैंने अपनी रेनबो कॉटेज के आसपास एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति को देखा था। रहस्यपूर्ण व्यक्ति? वो कौन था? मेजर ने पूछा। मैं उसे जानती नहीं, लेकिन उसकी विचित्र हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया था। वो कभी कभी दूरबीन लगाकर मेरे कॉटेज की ओर देखने लगता था। रात को वो जरूर दिखाई देता था। पहले तो मैंने सोचा कि वो शायद मेरे यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। मैं कई नौजवानों को अपने साथ लाई, उनमें से किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं समझ गई कि वो कुलवंत की तलाश में है, जो 4 दिन से मेरे यहाँ नहीं आया था। मुझे पता चला कि कुलवंत बम्बई गया हुआ है और 4 दिन बाद आएगा। उसके बम्बई से आते ही मैंने उसे फ़ोन किया कि वो मुझे हैप्पी वैली के इलाके में मिले। मैं उसे सावधान कर देना चाहती थी कि एक भयानक और रहस्यपूर्ण आदमी शायद उसकी तलाश में है, वो बच कर रहे। मैं कुलवंत को उस आदमी का हुलिया भी बताना चाहती थी, लेकिन मेरी बीमारी ने मुझे अपाहिज बना दिया। मैं कुलवंत से हैप्पी वैली के इलाके में जाकर मिल न सकी। मुझे बहुत दुख है। काश मैं फ़ोन पर ही कुलवंत को उस खतरनाक आदमी के बारे में बता देती, शायद कुलवंत मरने से बच जाता। क्या आप उस रहस्यमय व्यक्ति का हुलिया बता सकती है? मेजर ने पूछा। वो कोट या लंबी शर्ट पहनता था जो घुटनों तक लटकी रहती थी, खुले पैंचों की पतलून पहने रहता था, उसके कंधे से दूरबीन लटकी रहती थी। उसका चेहरा भारी भारी था, रंगे हुआ था, उसकी दाढ़ी कनपटियों से शुरू होकर ठीडी तक पहुंचकर नुकीली हो जाती थी। उस सिर पर टोपी नहीं पहनता था, लेकिन उसके सिर के बाल झुके रहते थे। हाँ, मैंने भी उसे देखा था, मूलचंद ने कहा। मेजर सोचने लगा कि ऐसा आदमी कौन हो सकता था और रोहिणी चक्रवर्ती की कॉटेज की निगरानी क्यों कर रहा था। आपने उसे अपनी कॉटेज के आसपास कब तक देखा? मेजर ने रोहिणी से पूछा। अस्पताल जाने से पहले तक। मैं आपकी बातों पर विश्वास किए लेता हूँ, लेकिन आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए अपने घर में नज़रबंद समझिए। हाँ, एक काम और कीजिए, आप अपनी माँ का कलकत्ता का पता मुझे दे दीजिए। C26 चितपुर रोड, कलकत्ता, रोहिणी ने बताया। मेजर ने पता नोट कर लिया। उसने इंस्पेक्टर महेश्वरी को फ़ोन पर इस हत्या की सूचना दी और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। मेजर मुँह अंधेरे ही पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर महेश्वरी से मिला। इंस्पेक्टर बहुत खुश था। देहरादून के केमिस्ट भगवान दास के दूसरे हत्यारे का पता चल गया था और विधाता ने उसे स्वयं ही दंड दे दिया था। कानून को कुछ भी नहीं करना पड़ा था। आप इतने सवेरे कैसे आ गए? इंस्पेक्टर ने पूछा। सबसे पहले आप मुझे बैरिस्टर यशवंत राय की लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिए। पुलिस डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बैरिस्टर यशवंत राय की हत्या आज से आठ दिन पहले की गई है। बैरिस्टर की मृत्यु दिमाग पर भारी चोट लगने से हुई। उसकी नाक को हथौड़ा मार मार कर कुचला गया है। बैरिस्टर यशवंत राय की हत्या कब हुई, इससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। पुलिस डॉक्टर का अनुमान सही है कि हत्या आज से 8 दिन पहले हुई। मेजर सोचने लगा। सहसा उसे रोहिणी चक्रवर्ती की बात याद आ गई। उसने कहा था कि उसकी माँ को कलकत्ता गए 8 दिन हुए हैं। बैरिस्टर की हत्या और रोहिणी की माँ के कलकत्ता जाने में गहरा संबंध मालूम होता है। मेजर ने इंस्पेक्टर महेश्वरी की ओर देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, एक काम कीजिए, एक पता नोट कर लीजिए। मेजर ने अपनी डायरी निकाल कर खोलते हुए कहा। लिखिए, मिसेज सुचिता चक्रवर्ती, C26 चितपुर रोड, कलकत्ता। इंस्पेक्टर ने पता नोट कर लिया। मेजर बोला, आज ही चितपुर रोड से संबंधित पुलिस स्टेशन को फ़ोन कीजिए कि फौरन इस बात का पता लगाकर बताया जाए कि मिसेज सुचिता चक्रवर्ती वहां कब से मौजूद है। अगर वो 7-8 दिन पहले कलकत्ता पहुंची हो तो इन दिनों में कहीं बाहर तो नहीं गई। शाम तक आपको इस संबंध में रिपोर्ट मिल जाएगी।
क्या आपको संदेह है कि हत्या की इन घटनाओं में रोहिणी और उसकी माँ का हाथ है? मुझे तो माँ बेटी दोनों ही संदिग्ध दिखाई देती है, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं एकदम छलांग लगाकर कभी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा करता, मेजर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने जेल कर्मचारियों से पूछताछ की कि कैदी रतनलाल से कौन मिला हुआ था और उसे फरार होने में किसने सहायता दी? मैंने एक एक से पूछ लिया, कैदियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने कोई असाधारण बात नहीं बताई। केवल एक कैदी ने एक ऐसी बात कही जिसे मैं बहुत सोचने पर भी समझ ना पा रहा। उस कैदी ने आपसे क्या कहा था, मेजर ने पूछा। उस कैदी ने बताया कि एक पहियों वाली कूड़ा गाड़ी जिसके तख्ते पर एक बहुत बड़ा ढोल होता था, इस फाई के लिए सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे जेल की कोठरियों के सामने लाई जाती। रतनलाल कैदी के फरार होने से 9 दिन पहले और फिर 1 दिन पहले वो दोबारा 10 बजे रात को लाई गई। मैंने कूड़ा गाड़ी लाने वाले दोनों मेहतरों से पूछा कि इन 2 दिनों कूड़ा गाड़ी दोबारा रात को क्यों लाई गई, तो उन्होंने बताया कि रतनलाल को जिस दिन वो फरार हुआ उससे 9 दिन पहले जबरदस्त पेचिस हो गई थी। उसने सारी कोठरी गंदी कर दी थी और जिस दिन वो फरार हुआ उससे 1 दिन पहले उसे उल्टियाँ हुई थी। मैंने इस बात की पूछताछ की तो पता चला कि फरार होने से 9 दिन पहले रतनलाल को सचमुच पेचिस हो गई थी। इंस्पेक्टर की बात मेजर ने बड़े इत्मीनान से सुनी और फिर होठ गोल करके सीटी बजाता हुआ बाहर आ गया। इंस्पेक्टर को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेजर सीटी बजा रहा है। मेजर बलवंत बस स्टैंड पर पहुंचा और बस स्टैंड के क्लर्कों को ध्यान से देखने लगा। उन क्लर्कों में उसे एक बंगाली क्लर्क दिखाई दिया। मेजर ने उसके पास जाकर अपने परिचय दिया तो बंगाली क्लर्क चौंक पड़ा। वो जासूसी साहित्य का प्रेमी था। मेजर बलवंत का संपूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र उसकी नज़रों में था। उसने बड़ी प्रसन्नता से हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसने मेजर को बताया कि उसी ने रोहिणी चक्रवर्ती की माँ को टिकट लेकर दिया था और बस में सवार कराया था। ये बात 8 दिन पहले की है। बस में रोहिणी की माँ ने जो सीट पसंद की थी वो सीट उसने दिलवा दी थी। मेजर ने उस बंगाली कलर को धन्यवाद दिया और ओवालूगंज जाने वाली सड़क पर चल दिया। रोहिणी चक्रवर्ती ने मेजर के आदेश का पूरा पूरा पालन किया था। वो अपनी कॉटेज से बाहर नहीं निकली थी। मेजर को आया देखकर वो चौंक पड़ी। मेजर साहब, दिन भर तो मैं अपनी कॉटेज में नज़रबंद रह सकती हूँ लेकिन शाम को नहीं। रोहिणी चक्रवर्ती ने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिसके नीचे कुछ नहीं था। स्कर्ट के ऊपर 2 फांकों वाला ब्लाउज था। ब्लाउज में से उसकी दोनों छातियां आधी आधी दिखाई दे रही थी। मेजर ने एक पल रोहिणी को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, नज़रबंदी से मेरा तात्पर्य हाउस अरेस्ट से नहीं था। आप शाम को घर से बाहर जा सकती है। वैसे आप शाम को कितने बजे जाती है? 9:30 बजे, रोहिणी ने एक टांग पर दूसरी टांग रखते हुए कहा। उसने अपनी स्कर्ट नीचे खिसकाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की। मेजर ने देखा रोहिणी पिए हुई थी। उसने जमाई ली तो उसके मुंह से विस्की की बू आई। मैं कल रात जल्दी में आपको 1-2 बातें न पूछ सका, मेजर ने कहा। तो आप पूछ लीजिए, रोहिणी ने सोखी भरे स्वर में कहा। मेजर ने कुर्सी रोहिणी के पास खींच ली। मिस रोहिणी, आप बैरिस्टर यशवंत राय को जानती थी? मैं बस इतना ही जानती थी कि वो कुलवंत के पिता थे। मेरी उनसे कभी भेंट नहीं हुई, केवल किसी पार्टी या किसी होटल में 2-4 बार उन्हें देखा भर था, रोहिणी ने टांग पर से टांग उठाते हुए कहा। उसकी जांघें बहुत ही सुंदर, सुडौल और आकर्षक थी। मेजर सोच में पड़ गया। रोहिणी के सीधे साधे उत्तर में सच्चाई थी। मिस रोहिणी जी, फरमाइए। मुझे कुलवंत ने बताया था कि उसके पिता को लापता और गुम हो जाने की आदत थी। इस बार वो 8-9 दिन से लापता थे। पहले वो इतने दिन कभी घर से बाहर नहीं रहे थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। मुझे कुलवंत ने ये बात नहीं बताई, रोहिणी बोली। क्या आपको पता है कि घर से गायब होने के बाद यशवंत राय कहाँ रहते थे? नहीं मिस रोहिणी, घर से लापता होने के बाद यशवंत राय आपकी माँ के पास रहा करते थे। ये कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए,
मेरी माँ की उम्र 80 वर्ष की है। वो बहुत ही धार्मिक विचारों की सच्चरित्र महिला है। बैरिस्टर यशवंत राय से उनका क्या संबंध हो सकता है? कृपया ऐसी कोई बात ना कीजिए कि मैं आपका अपमान करने पर विवश हो जाऊँ। क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने मुझे बताया है कि हैप्पी वैली के जिस मकान में आपकी माँ रहती थी, वो वहाँ यशवंत राय अक्सर आते जाते रहते थे। आप घाव करके उस पर नमक मत छिड़किए। एक बूढ़ी औरत पर चरित्रहीन होने का आरोप ना लगाइए। मैंने वरिष्ठ यशवंत राय को अपनी माँ के यहाँ कभी नहीं देखा है। धन्यवाद मिस रोहिणी, आपने मेरी एक उलझन दूर कर दी। रोहिणी चक्रवर्ती के कांटे से निकलकर मेजर हवा महल में पहुंचा। उसने देखा हवा महल अब बहुत साफ सुथरा हो गया था। उसके 2-4 कमरों में मशीनों के चलने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। मेजर की कार की आवाज़ सुनकर भी कोई बाहर नहीं आया। शायद मशीनों की आवाज़ के कारण डॉक्टर ब्रजेश धवन और उनकी बेटी कोकिला मेज की कार की आवाज़ नहीं सुन पाए। मेजर ने दरवाजे पर जोर से दस्तक देकर कहा, इज एनीबडी इन हाउस? क्या घर के अंदर कोई है? अचानक मशीनें चलने की आवाज़ बंद हो गई और मेजर को ऊपर के किसी कमरे में एक स्त्री और एक पुरुष के झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। वो डॉक्टर धवन और कोकिला की आवाज़ें थी। मेजर ने दरवाजे पर दस्तक देकर फिर अपना वाक्य दोहराया, इज एनीबडी इन हाउस? क्या घर के अंदर कोई है? कम इन थ्रू डोर। डॉक्टर धवन की आवाज़ आई और झगड़े की आवाज़ बंद हो गई। मेजर तीसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उस कमरे में एक बड़ी सी मशीन जल रही थी। शीशे की नलकियों में कई रंग के घोल नीचे ऊपर दौड़ रहे थे और खोल रहे थे। आइए आइए मेजर साहब, डॉक्टर धवन ने मशीन के आगे सूट कर मेजर से हाथ मिलाया। कोकिला ने मेजर को हाथ जोड़कर नमस्ते की। मेजर ने उन दोनों के स्वागत का उत्तर देते हुए कहा, मैंने आप दोनों के झगड़ने की आवाज़ें सुनी। आपके बीच झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा आज ही शुरू हुआ है। कोकिला मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ी हुई है कि मैंने अपने परीक्षणों के लिए ये हवा महल क्यों चुना। इस हवा महल में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन पहले इसने हवा महल की बहुत तारीफ की थी और इसे परीक्षणों के लिए बहुत ही उपयुक्त कहा था। भूत प्रेत? क्या वो बुढ़िया फिर दिखाई दी? मेजर ने पूछा। नहीं, वो बुढ़िया तो दिखाई नहीं दी, लेकिन इस हवा महल में कुछ तो अजीब अजीब सी बातें होती रहती है। कोकिला बोली, कल मैंने दोनों किचन साफ की। हम जो बर्तन कलकत्ता से लाए हैं, मैंने उनको ढंग से किचन में लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा, मैंने जिस ढंग से बर्तन लगाए थे वे किसी दूसरे ढंग से लगा दिए गए थे। किसी ने उसे दूसरे ढंग से सजाए हुए थे। और मैं कह रहा हूँ कि तुम भूल गई होगी, तुमने बर्तन किसी दूसरे ढंग से ही लगाए थे। नहीं डैडी, नहीं, किसी की बात मान भी लिया करो, मैं अंधी नहीं हूँ। खैर सुनिए, आज सवेरे क्या हुआ? मैं चाय में दूध और चीनी बहुत कम डालती हूँ। आपने चाय पी तो सारी फेंक दी और डांटने लगे कि इतना ज़्यादा दूध और इतनी ज़्यादा चीनी चाय में क्यों डाली है। मेरे पीछे किसी ने चाय में ज़्यादा दूध और ज़्यादा चीनी डाल दी थी। फिर मैं अखबार पढ़ते पढ़ते अपना चश्मा अखबार पर रखकर किसी काम में चली गई। लौटकर मैंने देखा चश्मा वहाँ नहीं था। जानते हैं चश्मा कहाँ मिला? बाथरूम की साबुदानी में। क्या कोई चश्मा साबुदानी में रखता है? डॉक्टर धवन हंसने लगे, फिर बोले, तुम काम करते हुए विचारों में डूब जाती हो। तुमने चाय में दूध और चीनी अधिक पड़ गए होंगे और अखबार पढ़ते पढ़ते विचारों में डूबी हुई तुम चश्मा हाथ में लिए खुद बाथरूम में चली गई होगी और तुमने चश्मा साबुनदानी में रख दिया होगा। मैं इसे भूत प्रेत की शरारत नहीं समझता। मैंने उस भयानक बुढ़िया को दोबारा नहीं देखा, लेकिन मेरा विचार है कि ये काम बुढ़िया की ही है। वो हमें डरा रही है ताकि हम हवा महल छोड़कर चले जाएं। कोकिला बोली, बेटी जब तुम ये समझती हो कि हमें डराया जा रहा है कि हम हवा महल छोड़कर चले जाएं, तो तुम खुद ही सोचो कि हम हवा महल छोड़कर क्यों जाएं। अभी हमारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं। मेजर साहब की राय ले लो कि क्या हमें हवा महल को छोड़कर चला जाना चाहिए? नहीं, ऐसा करना तो बहुत ही पराजय होगी, मेजर ने कहा। मेरी भी यही राय है, डॉक्टर धवन ने कहा। जाओ बेटी, मेरे बेडरूम में से मेरी छोटी टर्च ले आओ। थोड़ी देर पहले मैं अपने ओवरकोट की दाई जेब में रखाया हूँ। कोकिला अपने पिता के बेडरूम में टर्च लेने चली गई। कुछ मिनट के बाद उसने वापस आकर कहा, आपके ओवरकोट की किसी भी जेब में टॉर्च नहीं है।
तुम इसे अपने होश में नहीं हो, मैं लाता हूँ। तुमने मेरे किस कोट की जेब में देखी थी? धारियों वाले ओवरकोट की जेब में। ठीक है, मैंने टॉर्च उसी कोट की जेब में रखी थी, डॉक्टर धवन ने बाहर जाते हुए कहा। कोकिला ने मेजर से कहा, डैडी बहुत जिद्दी है, किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करते जब तक कि उसका पुख्ता सबूत ना मिल जाए। मिस कोकिला, मेरा विचार है कि उस बुढ़िया को देखकर आपको वहाँ पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब को आने दो, अगर टॉर्च मिल गई और धारियों वाले ओवरकोट में ही मिली तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि आपको जरूर वो वहम हुआ है। डॉक्टर धवन वापस आए तो उनके हाथ में टॉर्च थी। देखा मिस कोकिला, मेजर ने टॉर्च ऑन करते हुए कोकिला से कहा, विचित्र बात है, मैंने टॉर्च अपने धारियों वाले ओवरकोट की जेब में रखी थी, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैं कभी कोई बात भूलता नहीं, लेकिन टॉर्च मेरे पलंग के तकिए के नीचे मिली, डॉक्टर धवन ने कहा। कोकिला का चेहरा खिल उठा और बोली, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि कोई शरारत करके हमें डरा रहा है, हमारी चीज़ें यहाँ से वहाँ रख रहा है। डॉक्टर धवन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मेजर सोचने लगा कि बाप बेटी की आंख बचाकर इस हवा महल में कौन कर रहा है ये करतूत? क्या वो बुढ़िया ही बाप बेटी को भयभीत और निरुत्साहित कर रही है? मेजर ने निश्चय कर लिया कि वो एक बार फिर हवा महल का अच्छी तरह निरीक्षण करेगा। वो पुराने महलों, हवेलियों और मकानों के बनाने के ढंगों से भलीभांति परिचित था। वो इस प्रकार की इमारतों के ताखाने और चोर रास्तों को बड़ी आसानी से खोज निकालता था। मेजर हवा महल की जांच पड़ताल की बात सोच ही रहा था कि किसी कमरे से में नल से जोर से पानी छूटने की आवाज़ आई। किसने किचन में पानी का नल खोल दिया? खोकला ने कहा और किचन की ओर दौड़ी। मेजर हिरन की तरह कुलाचे भरता हुआ खोकला से पहले किचन में पहुंच गया। किचन का नल खुला हुआ था और नल के नीचे पानी में सुर्खी मिलकर बह रही थी। कोकिला और डॉक्टर धवन भी मेजर के पीछे पीछे किचन में पहुंच गए। खून, कोकिला बोली, किसी ने किचन का नल खोलकर अपने खून भरे हाथ धोए हैं शायद। मेजर किचन से निकलकर तीन चार कमरों में गया, वहां कोई भी ना था। वो सोचने लगा कि नल खोलकर और खून भरे हाथ धोकर दो मिनट में कोई कहां गायब हो गया, ये रहस्य क्या है? मेजर ने किचन में वापस आकर एक प्याली उठाई और उसमें लाल पानी भर लिया। प्याली लेकर वो उस कमरे में आया जहां बैटरी से चलने वाली मशीन से सीसी की नलियों में रंगीन खोल खोल रहे थे। मेजर ने वहां से एक छोटी सी सीसी उठाकर उसमें लाल पानी भर लिया और सीसी पर कार्क लगाकर सीसी जेब में रख ली। कोकिला बेंग भरे स्वर में बोली, क्यों मेजर साहब, हमें इस हवा महल को छोड़कर चले जाना चाहिए या नहीं? भयभीत होकर पराजय स्वीकार करना उचित नहीं है मिस कोकिला। मेरी अभी यही राय है, मेजर ने कहा। आप उस मेहरबान बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर मेजर ने डॉक्टर धवन से कहा, आप किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कैंसर का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। मैं आपसे यही पूछने आया था कि आपने उस बुढ़िया को देखा या नहीं। खैर, अगर दिखाई दे जाए तो मुझे सिल्वरटन होटल में सूचना दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। मेजर हवा महल से चला तो हवा महल में होने वाली घटनाओं पर विचार कर रहा था। इन घटनाओं का क्या अर्थ हो सकता है? किचन के नल के नीचे खून भरे हाथ किसने धोए थे? सारे कमरे खाली पड़े थे, किसी आदमी या जानवर की लाश भी नहीं मिली, फिर वो खून कहाँ से आ गया? इसी उदेड़बुन में मेजर हैप्पी वैली में बालकिशन के बंगले के सामने पहुँच गया। बंगले के दरवाजे खुले थे, वो समझ गया कि बालकिशन और साधना बंगले में ही है। मेजर ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर के कमरे से बालकिशन की आवाज़ आई, कौन? मेजर बलवंत, मेजर ने दरवाजे में खड़े खड़े उत्तर दिया। ओह, आप, इस समय आपकी सख्त ज़रूरत थी हमें। बालकिशन ने भीतरी कमरे में से ड्राइंग रूम में आकर कहा, जिसके दरवाजे में मेजर खड़ा था, इस समय आपको मेरी जरूरत क्या पड़ी? मेजर ने पूछा। साधना भी अपना नाइट सूट ठीक करती हुई ड्राइंग रूम में आ गई। मेजर ने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते की। साधना को एक वहम हुआ है, बालकिशन बोला। कैसा वहम? मेजर ने पूछा। आप बैठिए तो सही, बालकिशन ने कहा। मेजर के साथ साथ वे दोनों भी बैठ गए। बालकिशन ने कहा, साधना को ये वहम हुआ है कि एक रहस्यपूर्ण आदमी इस बंगले की निगरानी करता है। कौन
रहस्यपूर्ण आदमी, मेजर ने पूछा। साधना बोली, ये मेरा अवहम नहीं बल्कि विश्वास है कि कोई हमारे बंगले की निगरानी करने लगा है। मैंने उसे कल शाम को देखा था और आज सुबह भी। मुझे कोई संदेह ना होता अगर मैं कल शाम के बाद आज सुबह उसे फिर ना देखती। मैंने आज सुबह उसे अपने बेडरूम की खिड़की में से देखा। वो बंगले से दूर एक पेड़ के नीचे बड़ा खड़ा दूरबीन से हमारे बंगले में झांक रहा था। मेरा माथा ठनका। मैंने उसे कल शाम को फिर देखा। आज सुबह उसे देखकर मैं बंगले के पिछवाड़े गई। मुझे पिछले कमरे के दरवाजे पर छेड़छाड़ के निशान दिखाई दिए। किसी ने रात को दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। वो कौन है जो आपके बंगले की निगरानी कर रहा है, मेजर ने आश्चर्य से पूछा। उसके शरीर पर घुटनों तक नीची शर्ट थी, खुले पैजामों की पतलून थी, कंधे पर दूरबीन का केस लटका हुआ था। दूरबीन उसके हाथ में थी। उसका चेहरा भारी भारी था, रंग गेहुआ था। उसकी दाढ़ी कनफटियों से शुरू होकर थोड़ी तक पहुंचकर नुकीली हो गई थी। उसके सिर पर टोपी नहीं थी, माथे पर बालों के गुच्छे लटके हुए थे। मेजर चौंक पड़ा। ठीक यही हुलिया रोहिणी चक्रवर्ती ने भी तो एक रहस्यपूर्ण आदमी का बताया था। रोहिणी को जिस दिन वो आदमी दिखाई दिया उसके दूसरे दिन ही कुलवंत को मार डाला गया और रतनलाल कैदी के साथी की उसके बंगले में हत्या कर दी गई। मेजर सोचने लगा कि बालकिशन और साधना खतरे में हैं, इनकी जान को भी खतरा है। आप क्या सोच रहे हैं, बालकिशन ने पूछा। ये सोच रहा हूँ कि मिसेज साधना को कोई वहम नहीं हुआ। इन्होंने जिस आदमी को बंगले के पास देखा है उस रहस्यपूर्ण व्यक्ति को रोहिणी चक्रवर्ती भी देख चुकी है। इसके बाद ही हत्या की तीन घटनाएँ हुई। आप दोनों को मेरा कहना मानना होगा। अपना जरूरी सामान लेकर और इस बंगले को बंद करके आप दोनों फौरन मेरे होटल सिल्वरटन चलिए। मेरे पास चार कमरों का सूट है। आपको एक कमरा दे दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेजर ने कहा। फिर हंसते हुए बोला, आपके हनीमून में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। साधना झेप गई और अपना जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई, क्योंकि अब वो भी इस खौफ के माहौल में जीना नहीं चाहती थी। कुछ मिनट बाद बालकिशन और साधना मेजर के साथ उसकी कार में सिल्वरटन होटल की ओर जा रहे थे। वो लोग जान चुके थे कि इस बंगले में रहना अब खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि मौत किसी भी वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती थी। इसलिए बालकिशन और साधना मेजर के साथ उसकी कार में बैठकर सिल्वरटन होटल की ओर जा रहे थे। लेकिन क्या वहां जाने से इन दोनों के सर पर आई मौत का साया टल सका? क्या मेजर बलवंत इन्हें मौत के मुंह में से वापस ला सके? जानने के लिए आप लोग जरूर सुनिएगा इसी नॉवेल की अगली कड़ी। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की दूसरी एपिसोड, स्टोरी विथ अरुण, पर अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर कर्नल रंजीत की लिखी हुई उपन्यास बूढ़ी परछाई। इसी नॉवेल की ये दूसरी एपिसोड थी। आपको बता दूँ इस उपन्यास की आगे की कथानक इसके तीसरे एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी कर्नल रंजीत की मेजर बलवंत सीरीज की उपन्यास बूढ़ी परछाई, इसी नॉवेल के तीसरे एपिसोड में इसके आगे की कथानक के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।